नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के जुलाई 2018 मंथ के करंट अफेयर, और इन सभी करंट अफेयर को हम पूरी डिटेल व बारीकी से समझेंगे जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हमारा एक भी नंबर न कटे। और ये सभी करंट अफेयर ऑप्शन टाइप होंगे, इसलिए आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर साथ के साथ देते रहें और मेरे वाले आंसर से मैच करके वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। अगर आपके 25+ क्वेश्चन ठीक होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर आपके 25 से कम नंबर आते हैं तो टेस्ट को दोबारा दे के देखें और दूसरी बारी में 25 से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में 21 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम SPC का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्टूडेंट पुलिस कैडेट, आंसर बी। और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया था राजनाथ सिंह ने। तो ये राजनाथ सिंह कौन है? ये है हमारे होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। ठीक है, अब बात आती है कहाँ पर किया। ये किया था ताऊ देवीलाल स्टेडियम, गुड़गांव में, और इसमें हिस्सा लिया था 8वीं एवं 9वीं क्लास के बच्चों ने। और जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट है ना, ये किसके लिए है? ये 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों के लिए। और इसके लिए सरकार ना प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपये की राशि देगी, और इसके अंतर्गत सरकार लगभग 4 करोड़ बच्चों को प्रशिक्षित करेगी। और इसके लिए राशि कितनी खर्च होगी? ये होगी 67 करोड़। ठीक है, तो आ गया आपको इतना समझ में। इन पूरे क्वेश्चन की PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? राजनाथ सिंह, आंसर सी, मैंने बताया भी था अभी अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया गुड़गांव में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, HSSC के चेयरमैन कौन है? तो ये कौन है? BB भारती यानी भारत भूषण भारती, आंसर बी। और HSSC की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, और बात करें इनसे पहले HSSC के चेयरमैन कौन थे, वो थी दीप्ति उमा शंकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश, आंसर बी। देखो, जो हिमाचल प्रदेश है इसके राज्यपाल कौन हैं? वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, इस समय ये कहाँ पे गए हुए हैं? अमेरिका में। ठीक है, कब लौटेंगे? 2 अगस्त को। यानी 2 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन होगा? कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, और 2 अगस्त के बाद वापस कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत। ठीक है, और बात करें हिमाचल प्रदेश के CM यानी चीफ मिनिस्टर की, तो वो कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है, और कौन सी पार्टी इसकी? BJP, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 22 जुलाई 2018 को अपनी जिंदगी अपनी राहें राहगीरी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया झज्जर में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस हवाई अड्डे को 15 अगस्त 2018 से नई दिल्ली के लिए खोल दिया जाएगा? तो इसका आंसर आएगा हिसार हवाई अड्डा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने पौधागिरी अभियान की शुरुआत कहाँ से की? तो ये कहाँ से की थी? ये की थी गुरुग्राम से, आंसर ए। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में कुछ बातें जान लो जो एग्जाम में आ सकती हैं। इस अभियान की शुरुआत गुरुग्राम में कहाँ पे हुई थी? ताऊ देवीलाल खेल परिसर में। जो कि कहाँ पे है?
सेक्टर 38 में, ठीक है। तो सरकार ने इस अभियान के अंतर्गत कितने पौधों को लगाने का टारगेट रखा है? 22 लाख पौधे। और इन पौधों को कौन लगाएगा? छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे। बच्चों को क्या करना है? कोई भी एक पौधा लगाना है और 6 महीने बाद उस पौधे के साथ सेल्फी लेके गवर्नमेंट की ऐप पर भेज देना है, तो उस बच्चे या स्टूडेंट को 50 रुपये की प्रोत्साहित राशि दी जाएगी, ठीक है। और उस पौधे का 3 साल तक ख्याल रखना है, या हम कह सकते हैं उसकी देखभाल रखनी है। ऐसा करने वाले स्टूडेंट को सरकार 300 रुपये की राशि देगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में छठा पासपोर्ट कार्यालय को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के द्वारा कहाँ पर शुरू किया गया? तो इसका आंसर आएगा भिवानी में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में दक्षिण के कौन से जिले में पासपोर्ट कार्यालय खोला जाएगा? तो इसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 32वें स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जूनियर व सीनियर वेट लिफ्टिंग का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर आएगा रश्मि ने, आंसर सी। और ये रश्मि कहाँ की है? ये है सोनीपत की। और ये चैंपियनशिप खेली गई थी महेश्वरी भवन, जो कि है बहादुरगढ़ में, और बहादुरगढ़ कहाँ पे है? झज्जर में। और रश्मि ने कितने भार वर्ग में खिताब जीता? ये जीता 562.45 भार वर्ग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये भी मैंने बताया था, ये कहाँ पर आयोजित की गई? बहादुरगढ़ में, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, झज्जर में कहाँ पर सैनिक स्कूल खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा नातन हिल में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, SYL यानी सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर जेल भरो आंदोलन किस पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था INLO के द्वारा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीटिंग ऑफ शूटिंग होप में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता? तो ये जीता स्वर्ण, आंसर ए। और अब तक ये 3 मेडल जीत चुकी है इस प्रतियोगिता में। और ये कहाँ पर खेली गई? ये खेली गई चेक रिपब्लिक में, ठीक है। बोला है, संत कबीर जी का 620वां प्रकाश उत्सव दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया फतेहाबाद में, आंसर बी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? ये किया था हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के चेयरमैन कौन है? तो ये है कमल गुप्ता, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2018 में गीता महोत्सव पर कौन सा राज्य थीम स्टेट होगा? तो इसका आंसर आएगा गुजरात, आंसर डी। और ये गीता महोत्सव कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, 15 जुलाई 2018 से इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा के किस जिले में की गई? तो ये की गई नूह में, आंसर ए यानी मेवात। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत 299 गांवों में टीकाकरण किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नूह के किस गांव में राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा अकेडा में, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश के राष्ट्रपति ने दंगल फिल्म से प्रभावित होकर फोगाट परिवार से मुलाकात की? तो इसका आंसर आएगा दक्षिण कोरिया की, आंसर बी। और उनका नाम क्या है? मून जे इन। क्वेश्चन नंबर 22 है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर आएगा तीसरे पे, आंसर सी। पहले कौन से पे था? पहले था 14वें पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा में 7 से 8 जुलाई 2018 को आम मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? वह यह कौन से नंबर का मेला था? तो इसका आंसर आएगा सी,
ये मेला पिंजौर में आयोजित किया गया, और पिंजौर में कहाँ पर आयोजित किया गया, ये किया गया यादवेंद्र गार्डन में, जिसको पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसे मुगल गार्डन भी कहते हैं। और इस यादवेंद्र गार्डन को एक नाम से और बुला जाता है, वो क्या है, उत्तर भारत का नंदवन। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था फिदाई खान ने, कौन सी शताब्दी में, 17वीं में। और इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि पिंजौर गार्डन किसके शासनकाल में बनवाया गया था, तो इसका आंसर आएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर खुलेगी, तो ये खुलेगी सोनीपत में, आंसर ए। और इस लॉ यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा में तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया कुरुक्षेत्र में। और इस मंदिर का उद्घाटन 1 जुलाई को किया गया था, किसके द्वारा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणा के किस बॉडी बिल्डर ने मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता, तो ये जीता जगजीत सरोहा ने, आंसर डी। और ये कहाँ के हैं, ये है राठ धना के, जो कि पड़ता है सोनीपत में, ठीक है। और ये बॉडी बिल्डर की प्रतियोगिता स्लोवेनिया में हुई थी, जो कि पड़ता है यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो क्या नाम उसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा में कहाँ पर फुटवेयर पार्क व मार्बल मार्केट बनेगा, तो इसका आंसर आएगा खरखोदा में, आंसर बी। अगर ऑप्शन में खरखोदा नहीं होता तो हम निशान लगाते सोनीपत को, अब ऑप्शन में खरखोदा है तो हम सोनीपत को निशान नहीं लगाएंगे, हम निशान लगाएंगे खरखोदा को। क्वेश्चन नंबर 29 है, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो इसका आंसर है राजा नाहर सिंह, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये की गई कागरोला में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, ककरोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये किया गया सोनीपत में, आंसर सी। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और इस करंट अफेयर की PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।